अब जो सातवां टाइप है वो है इसका ट्यूबर, ट्यूबर जिसे हिंदी में आकंद भी कहते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है पोटैटो, डहेलिया, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, कैलेडियम, याम और कसावा, ये सारे में आपका ट्यूबर पाया जाता है, ये सबको ट्यूबर क्रॉप्स कहते हैं। अब पोटैटो जिसे हिंदी में आलू भी कहते हैं, आपने घर में आलू देखा होगा, आलू में बहुत सारी छोटी छोटी सफेद कलर की ग्रोथ आती है, ये जो जगह है यहाँ पर सफेद सफेद ग्रोथ आती है, इसको बोलते हैं आईज, आईज या फिर जिसे हिंदी में बोल सकते हैं आंख। ये जो है बाकी जैसे बाकी हर जगह हमने नोड्स पढ़े, तो ये जो आईज होती हैं ये नोड्स को रिप्रेजेंट करती हैं। अब क्या हुआ, ये आपने इसको लगाया और इससे क्या हुआ, बहुत सारे जड़ों का फॉर्मेशन हुआ और पौधे का फॉर्मेशन होता है, फिर उसमें बहुत सारे आलू लगते हैं, ये बहुत सारे आलू लगे और इन सारे आलू में क्या होता है, आंख पाई जाती है। जिस जिस पोर्शन में आंख पाई जाती है उसको कट करके या फिर पूरे के पूरे आलू के जो पूरा का पूरा जो आलू होता है उसको आप ले जाके नए जगह पे ग्रो कर सकते हैं और उसमें से क्या होगा, फिर नए पौधे बनेंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये जो ट्यूबर होते हैं ये कुछ नहीं होता, ये अंडरग्राउंड मॉडिफाइड पार्ट होते हैं, ये भी स्टेम या तने का मॉडिफाइड पार्ट होता है जो कि फूड स्टोरेज के लिए यूज होता है। ये जो आलू होता है ये फूड स्टोरेज के लिए यूज करता है प्लांट, और इसी को अगर अपन तोड़ के एक नए जगह पे लगाएं तो एक नए पौधे का निर्माण करती है, तो ये आपका कहलाता है ट्यूबर। ट्यूबर में हम जो है ट्यूबर को ही यूज करते हैं एक नए पौधे के निर्माण के लिए, और ये ट्यूबर क्या होता है, ये ट्यूबर होता है आपका स्टोर्ड फूड मटेरियल के लिए स्ट्रक्चर होता है, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टोलन। अच्छा, ये ट्यूबर हमेशा ग्राउंड के नीचे ही होगा, जैसे कि आलू हो गया आपका, डहेलिया, स्वीट पोटैटो, ये सब में ये नीचे पाया जाता है। फिर आता है आपका स्टोलन। स्टोलन बहुत हद तक सिमिलर है आपके रनर की तरह, ये बरमूडा ग्रास, मिंट और वाइल्ड स्ट्रॉबेरी में पाया जाता है। लेकिन जब अपने रनर पढ़ा तो क्या देखा था, रनर जो है कहाँ से ग्रो होती है, लीफ एक्सियल से, और ये जो है तना का जो शीर्ष भाग होता है, जो मेन एक्सिस होता है, वहीं से ग्रो होती है, और इसमें भी क्या होते हैं, नोड्स और इंटर नोड्स पाया जाता है। ये नोड हुआ और इतने लंबे दूरी को क्या कहेंगे अपन, इंटर नोड। तो इसमें क्या करते हैं, ये स्टोलन ये वाला जो भाग होता है जो मेन स्टेम से हॉरिजोनटल क्षैतिज हॉरिजॉन्टल दिशा में जो कि ग्राउंड के ऊपर जो ग्रो होता है उसे ही अपन कहते हैं स्टोलन। इसको हम यहाँ से काट सकते हैं और काट के इसको अलग प्लांट के लिए, नए प्लांट रेज करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो स्टोलन क्या होता है, ये रनर की तरह स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्राउंड के ऊपर ग्रो होता है, और ये जो है मेन एक्सिस से हॉरिजॉन्टल ग्रो होता है, मेन एक्सिस जो उसका होता है वहीं से ग्रो होता है, जबकि रनर जो है वो लीफ एक्सिल से ग्रो होता है। तो ये मेन एक्सिस से ग्रो हो रहा है और ये हॉरिजॉन्टली ग्रो होगा, इसको कट करके अपन जो है जैसा लेयरिंग में एक नए पौधे का निर्माण करते हैं वैसे इसमें नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है बरमूडा ग्रास, मिंट और वाइल्ड स्ट्रॉबेरी। कभी कभी यही जो जो आपके स्टोलन होते हैं ये कभी कभी नए ट्यूबर्स का भी फॉर्मेशन करता है, तो ये ट्यूबराइजेशन के लिए भी यूज हो सकता है। तो इस तरीके से ट्यूबर ट्यूबर क्या होते हैं, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड लीफ स्टेम होते हैं, और इसका यूज जो है वो खाना स्टोर करने के लिए करता है। इसमें आंखें पाई जाती हैं जो कि नोड्स को रिप्रेजेंट करता है, इन पार्ट्स को अपन यूज कर सकते हैं नए पौधे को रेज करने के लिए, इसको उखाड़ के अपन जो है नए जगह ले जाके नया प्लांट यूज कर सकते हैं। स्टोलन क्या होता है, ये ग्राउंड के ऊपर ग्रो करने वाली हॉरिजॉन्टल ग्रो करने वाली मेन स्टेम की जो है ग्रोथ होती है, जिसको जो है नए पौधे बनाने के लिए इसको काट के अपन जो है यूज कर सकते हैं।